हेलो दोस्तों, वेलकम टू परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सर्वियर। दोस्तों, अभी हम हैं हमारे लैंड सर्वे की क्लास के अंदर, और ये हमारे जो स्टूडेंट हैं ये आए हुए हैं नेपाल से। और क्या नाम है आपका? नीरोज कुमार यादव। नीरोज कुमार यादव जो है नेपाल से आए हुए हैं यहाँ पर लैंड सर्वे और क्वांटिटी सर्वे सीखने के लिए। तो दोस्तों, आज इनकी पहली क्लास है। हमने जैसे इनको ब्रीफ किया है कि आपको जो है ऑटो लेवल को कैसे जो है लेवल करना होता है कम से कम टाइम में। तो अभी देखिए, फ्रेशर हैं बिल्कुल, अभी इनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, पहली बार इंस्ट्रूमेंट को आज कॉलेज के बाद हाथ लगा रहे हैं, और आज इनका देखेंगे कि कैसा इनका परफॉर्मेंस रहता है पहली क्लास के अंदर। तो नरोज, स्टार्ट करो अब आप। तो अभी निरोध कर रहे हैं, देख रहे हैं आप। ये यही जो है, इसी तरीके से जो है जब एक फ्रेशर स्टूडेंट्स आता है तो वो ऐसे ही करता है। और लगभग लगभग जो है दोस्तों, आज पहला दिन है तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है निरोध को, और अभी देख रहे हैं, देखते हैं क्या कर रहे हैं निरोज। तो निरोज लगे हुए हैं अभी अपने लेवल करने पे इंस्ट्रूमेंट को। तो अभी निरोज लगे हुए हैं, अभी और टाइम लगने वाला है, पहला दिन है। अभी निरोज को ज़्यादा आइडिया है नहीं, बहुत सारी गलतियाँ कर रहे हैं, बट यही गलतियाँ इनके सुधारने के लिए तो ये यहाँ पर आए हुए हैं। वो हम इनको बाद में बताएंगे, ये कहाँ कहाँ पर बताने के बाद भी मिस्टेक कर रहे थे, नेक्स्ट टाइम पर जब इनको बताएंगे तो ये ज़रूर जो है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अभी कुछ देर के बाद एक और जो है दोस्तों आपको बताएंगे कि निरोज को कैसे इनको सही करना है। अभी हम लोग जो है नीरोज को बता चुके हैं नीरोज को कैसे करना था, लेकिन फिर भी नीरोज जो है वो भूल चुके हैं। उनको पूरा टाइम देंगे हम पहली बार इसको लेवल करने का, फुल टाइम देंगे, पूरा टाइम अपना लें। नीरोज कर रहे हैं,
रोज साइड बदल रहे हैं बार बार, क्योंकि दो लेग से ही करना होता है। ये तो इन्होंने सीख लिया कि दो लेग से ही जो है ट्राइपॉड को जो है यूज़ करना है, और अपने इंस्ट्रूमेंट को चाहे वो ऑटो लेवल हो टोटल स्टेशन हो उसको सैंड लेवल करना है। बट बहुत सारी मिस्टेक ये कर रहे हैं, अभी इनको करने देते हैं, पूरा टाइम देते हैं, देखते हैं कितना टाइम लेते हैं ये लेवल करने में इंस्ट्रूमेंट को। अभी लगे हुए हैं नीरोज, और यही होता है जो इनके साथ में प्रॉब्लम आ रहा है नीरोज के साथ में, यही होता है जब स्टूडेंट जो है पहली बार इंस्ट्रूमेंट को काफ़ी टाइम के बाद इंस्ट्रूमेंट को लेवल करते हैं। और देखिए जो है अभी भी नहीं हुआ है लेवल, अभी भी चल रहा है लेवलिंग चला, पहला दिन है, पहली बार अभी हाथ लगाया कॉलेज के बाद, तो टाइम तो लगेगा ही। बट ये प्रैक्टिस का जो है पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंट है, आप जितना प्रैक्टिस करते हैं उतना ही जो है दोस्तों आप इसको जो है आराम से लेवल कर सकते हैं। अभी भी लगे हुए नीरोज, और यही हम लोग गलतियां करते हैं। हम लोग सोचते हैं कि हम लोग जो है स्कूल में कॉलेज में जो हमने सीखा है कॉलेज के अंदर आईटीआई डिप्लोमा बीटेक लेवल पे, तो वो सफिशिएंट है, उससे हम लोग जो है इंडस्ट्री में आराम से जो है अपना काम कर सकते हैं। बट यहीं पे गलती होती है दोस्तों। देखिए आपको हम ये नहीं कहते हैं आप हमारे से सीखिए, लेकिन आप सीखिए ज़रूर, क्योंकि इतना टाइम कोई भी कंपनी आपको इंस्ट्रूमेंट सेट करने के लिए नहीं देगी, इतना टाइम नहीं देगी। और जो है आपको अपना काम जो है जल्दी से जल्दी और कम से कम समय में जो है करना होता है। ऑलमोस्ट जो है 5 मिनट से ज़्यादा हो चुका है नीरोज को यहाँ पर काम करते हुए, अभी हमने टाइमर ऑन कर रखा है। देखिए 7 मिनट 25 सेकंड हो चुके हैं, 7 मिनट और 25 सेकंड जो है नीरोज ने लगा दिए हैं। बट यही होता भी है, चलो कोई बात नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं। देखिए हम इनको डिप्रेस करने के लिए नहीं कह रहे, लेकिन इनको सीखना होगा। और ये देखिएगा, अब मैं गारंटी देता हूँ कि अगले अभी जब हम इनको दोबारा से एक बार बताएंगे और पूरा का पूरा मेथड इनको सिखाएंगे प्रैक्टिस कराएंगे, और जब आप लास्ट दिन देखेंगे तो ये 25 सेकंड के अंदर जो है ना अपना इंस्ट्रूमेंट को लेवल कर रहे होंगे, उस टाइम पे इतना प्रैक्टिस हो जाएगा इनका। ठीक है दोस्तों, क्योंकि एक प्रोफेशनल तरीके से इनको हम सिखाने वाले हैं जो कि कॉलेज में नहीं सिखाया जाता है। और एक इंस्ट्रूमेंट यही गलती कर रहा है जो नीरोज कर रहे हैं, देखिए इंस्ट्रूमेंट की हालत देखिए, पूरा ट्राइपॉड जो है बिल्कुल टेढ़ा हो चुका है, टिल्ट हो चुका है, ये क्यों मिस्टेक हो रही है। ठीक है, चलिए कोई नहीं, अभी भी नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा नीरोज, ठीक है कोई बात नहीं, आप इस इंस्ट्रूमेंट को खोल दो, खोल के बॉक्स में पैक कर दो। अब इनको हम लोग करेक्ट करते हैं दोस्तों, और उम्मीद करते हैं आप लोग भी सीखेंगे, आप लोगों को भी यहाँ पर बताएं। प्रवीण विवादम, देखिए लगभग 9 मिनट यहाँ पर लग गए थे नीरोज ने, और थक हार के जो है ना जब दोस्तों नहीं हो रहा है तो इन्होंने फिर कहा है कि नहीं सर अब नहीं हो पाएगा, आप कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों क्या होता है, आपको कैसे करना है नीरोज, तो ठीक है जब भी आप ट्राइपॉड खड़ा करते हैं ना, तो सबसे पहले जब आप अरे चरणों से पेपर रिकॉर्डिंग से नहीं, तो दोस्तों अभी हम नीरोज को बता रहे हैं कि इसको प्रॉपरली ढंग से आप लोग भी सीख लीजिए, आप भी आपके भी काम आएगा। तो दोस्तों ये जो इंस्ट्रूमेंट है ना, इस ट्राइपॉड को जो है आपको सबसे पहले क्या करना है, अपनी सिम तक लाना, सिम तक जब ऑटो लेवल की बात कर रहे हैं हम लोग, अपनी छुट्टी तक आपको लाना है, और उसके बाद इसके लॉक लगा देने हैं। ठीक है, इसको आप लॉक लगा दीजिए, जब आप लॉक लगा देंगे तो उसके बाद जो है आपको क्या करना है, लॉक लगाने के बाद आपको जो है एक इंस्ट्रूमेंट को पकड़ना, ऐसे पकड़ के
है आपको आगे ग्राउ करनी है, 2 लैग को पीछे लेके आना। फिर इसके टॉप को देखना, क्या देखना है इसके टॉप को, इसका टॉप सीधा होना चाहिए, जितना सीधा होगा उतना कम टाइम लगेगा आपको लेवल करने में। उसके बाद एक हाथ से इसको दबा, इस हाथ से जो है इसको दबाना है, इस पाँव से इसको दबाना है, फिर इस हाथ से इसको दबाना है, इस पाँव को इसको दबाना है, ठीक है। फिर उसके बाद जाएंगे इस वाली लेग पे, तो इस पाँव से इसको दबाइए, इस हाथ से इसको दबाइए। तो ये आपका जो है ना, ये अब इंस्ट्रूमेंट हमने क्यों किया इसको, ताकि गिरे नहीं इंस्ट्रूमेंट जो है, आप गिरे नहीं। अब इसके बाद आप अपना ऑटो लेवल लाएंगे आराम से, ऑटो लेवल ला के जो है आपने ऐसे रखना है इसके ऊपर, और इसको थोड़ा सा टिल्ट करना है। देखो ऊपर से क्या करना है, इसको हल्का सा टिल्ट करना है ताकि आपको दिखाई दे, ये उठाना है नीचे से, यहाँ से नहीं पकड़ना है, यहाँ से पकड़ना है हमेशा इंस्ट्रूमेंट को, ठीक है। यहाँ से पकड़ के इसको नीचे से स्क्रू कर दीजिए, और उसके बाद जो है इंस्ट्रूमेंट को ऐसे सेंटर में ले आइए। सेंटर में लाने के बाद जो है इसको कस दीजिए। अब ये जो हमारा ऑटो लेवल है, ऑटो लेवल का जो बबल है, 2 लेग के बीच में ले आइए, ये 2 लेग के बीच में ले आइए, जैसे 2 लेग है ना इनके बीच में ले आए। थर्ड पोस्ट क्या है, स्टेप इसके बीच में लाना है। अब आपको देखना है ये बबल आपका कहाँ है, ये लेवल बबल किस तरफ है, ठीक है। तो लेवल बबल को ऑब्जर्व करना है, अगर हमारा बिल्कुल इसके सामने आ रहा है तो हमें क्या करना है, थोड़ा सा एक बबल, एक लेग को, कोई भी एक लेग को जो है आप थोड़ा सा डाउन कर लीजिए। आपको हमेशा 2 लेग से ही काम करना है, ठीक है। तो हम जो करेंगे, थोड़ा सा इस वाली लेग पे ले आए, हमारा बबल इस लेग पे आ गया, इसको लॉक कर दो। क्या करना है, लॉक कर देना है, ठीक। उसके बाद अब इस लेग पे जाओ, अब देखो इस पाँव को जो है आपको, ये पाँव जो है ये यहाँ रखना है, ऐसे ऐसे नहीं रखना है, ऐसे नहीं रखना है, ऐसे रखना है सेंटर पे, ठीक है। अब यहाँ आ गए, इसको खोल दो। अब ऑब्जर्व ये करना है कि आप इंस्ट्रूमेंट को, इस ट्राइपॉड को नीचे कर रहे हो तो कहाँ जा रहा है, और उठा रहे हो तो कहाँ जा रहा है। तो जैसे हम नीचे कर रहे हैं तो हमारा कहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, हम नीचे कर रहे हैं तो यहाँ जा रहा है। तो जब इसके सामने आ जाए तो इसको लॉक कर दो, क्या कर दो, लॉक कर दो। नीचे कर रहा है तो कहाँ जा रहा है, और ऊपर कर रहा है तो कहाँ जा रहा है। तो जैसे हमने नीचे किया तो यहाँ आ गया, अब हम इस लेग के सामने आएंगे, ठीक है, और इस लेग को खोल देंगे। तो जैसे ही आप इस लेग को डाउन करोगे ना, तो यह बबल अंदर चला जाएगा। देखो अभी भी जा रहा है, इस तरफ जा रहा है ना, इस वाली लेग पे, अभी भी जाने दो, कोई बात नहीं, इस वाली लेग पे आ गया, ठीक, इस वाली लेग पे आ जाओ, कोई बात नहीं। अब जो है इस वाली लेग को जो है थोड़ा डाउन कर दो, क्या करो, डाउन करो, तो अंदर चला गया बबल, अंदर चला गया सर्कल के, इसको लॉक कर दो। अब कोई भी 2 लेग, 2 फुट स्क्रू इनके बीच में इसको रख दो, कोई भी 2 फुट स्क्रू के बीच में रख दो। अगर यहाँ से पूरा सही नहीं आया है, कोई भी 2 फुट स्क्रू के बीच में रख दो, ये 2 फुट स्क्रू के बीच में आपने रख दिया, ठीक है। अब इनको पता है, इनको अंदर बाहर एक साथ करते हैं, अगर ये दो के बीच में, अगर अंदर करना है तो एक साथ करना है, बाहर करना है तो एक साथ करना है। तो ये लेफ्ट और राइट की तरह मूवमेंट देता है, ठीक है। तो हमने इसको लेफ्ट किया, और थोड़ा सा अगर मुझे चाहिए तो ये वाला राइट वेल है, कर दे बिल्कुल सेंटर, हो गया लेवल। कितना टाइम लगा होगा, अगर मैं आराम से देखूँ 15 से 20 सेकंड के अंदर हो जाता है, ठीक है। 20 सेकंड का आपको इस तरह से प्रैक्टिस करनी है कि 20 सेकंड के अंदर जो है अपना लेवल कर लो, या 30 सेकंड मैक्सिमम, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। लेकिन ये कब होगा, जब प्रैक्टिस होगा, ठीक है। अब जो है हमारे जो है ये निकुंज जो है, निकुंज भी एक बार दोबारा से जो है अपना पूरा प्रैक्टिस करेंगे, अब हम उनको प्रैक्टिस करने देते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों, और दिखाते हैं आगे के परफॉर्मेंस, निकुंज जो है कैसे करते हैं, ठीक।